वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे और कुशल मंगल होंगे। तो जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। मैं आपके साथ शेयर भी नहीं कर सकती हूँ कि मैं कैसा फील कर रही हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर 3 साल रहे, यहाँ पर हमने कितने अच्छे अच्छे टाइम स्पेंड किए, बहुत अच्छे अच्छे मेमोरीज रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रही हूँ, बोल भी नहीं पा रही हूँ। बस अभी पैकिंग वगैरह चल रहा है, क्योंकि जाने के पहले एक दिन हम सामान को भेज देंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट डे जाएंगे। यहाँ थोड़ा कोलकाता भी घूमेंगे, जहाँ जहाँ हमें जाना है तो वहाँ हम घूमकर फिर डायरेक्ट हम अपने होम टाउन में चले जाएंगे। तो मैं क्या बोलूँ, कुछ बोला ही नहीं जा रहा है। बहुत ज़्यादा अच्छे मेमोरीज रहे हैं इस क्वार्टर में। जैसा भी था क्वार्टर, बहुत ही अच्छा था मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक तो आरव मिला है। जब मैं यहाँ पर आई तो अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बने, यहाँ मैं प्रेग्नेंट हुई, मेरा प्रेगनेंसी जितना भी रूटीन है मैंने आपके साथ शेयर किया ब्लॉग के थ्रू क्वार्टर में, और उसके बाद मेरा आरव बेटा जन्म हुआ। तो बहुत अच्छे अच्छे मेमोरीज रहे हैं मेरे यहाँ पर शाम के टाइम निकलना, घूमना फिरना, फिर प्रोग्राम्स वगैरह अटेंड करना। बहुत सारे ऐसे मेमोरीज हैं जो कि मैंने यहाँ स्पेंड किए हैं, और कैसे कैसे जो 3 साल बीत गए पता ही नहीं चला। बस ऐसे सोच रही हूँ कि मैं कल ही आई थी यहाँ पर, और कितना जल्दी जो टाइम कैसे कैसे बीत गया। तो मैं आपको दिखाती हूँ, पूरा पैकिंग यहाँ पर देख सकते हो, पूरा मैसी हो रखा है। तो सामान वगैरह पैकिंग हो रहा है ट्रंक वगैरह में, आप यहाँ देख सकते हो पूरा मैसी हो रखा है। तो ये सब पैकिंग वगैरह होगा तो हम धीरे धीरे कर रहे हैं, काम खत्म करना है जल्दी जल्दी, पैकिंग करके भेजना है तो जल्दी जल्दी पैकिंग कर रहे हैं। हम आए थे शाम को हनुमान मंदिर में, और हम कब से सोच रहे थे कि हम हनुमान मंदिर जाएंगे, लेकिन मौका ही नहीं मिला। ये जो हनुमान मंदिर जो है वो हमारे क्वार्टर के एरिया के अंदर ही है, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला आने का। मैंने हस्बैंड को पहले से ही बोल कर रख दिया कि जाने से पहले हम एक बार, जैसे भी हम हनुमान मंदिर जाएंगे। तो हम आए थे हनुमान मंदिर में पूजा करने के लिए। हनुमान मंदिर आकर मुझे इतना अच्छा लग रहा था, और मंदिर आने से वैसे भी अच्छा लगता ही है। तो मैंने सभी के लिए प्रार्थना की, अपने घर वालों के सुख शांति के लिए। आज हम जहाँ भी है, जैसे भी है, भगवान के आशीर्वाद से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जहला सारा सा पूरा कर बाहर মনান দে আমাদের তোর আশা কিতা চাই পুরা আর ঘর বেশ পুরা সগুর শক্তি আনতে মোর আমার রহম ও রেসা ও শক্তি আনতে প্রভু জো सो गाइस, देखो कितना कबाड़ खाना बन रखा है, पैकिंग वगैरह हो रहा है, कर्टन्स वगैरह में भी सामान अभी डाल रहे हैं अभी, और यहाँ भी एक ट्रंक तो हमने बाहर रख दिया है और एक ट्रंक यहाँ पर अभी फुल होने को है। तो बहुत सारा सामान है, आप देख सकते हो ये सब सामान जो पैकिंग करना है बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। सुबह मैं शूट भी नहीं कर पाई क्योंकि बहुत सारा काम था, क्योंकि मुझे कंटेनर वगैरह धोना था। अब देख सकते हो यहाँ मैंने कंटेनर वगैरह मैंने धोया, और यहाँ पर भी कुछ कंटेनर अभी मैं धो रही हूँ यहाँ पर देख सकते हो। तो ये सब धोकर अभी मुझे थोड़ा कल धूप में सुखाऊंगी, फिर उसके बाद पैकिंग करना है, क्योंकि कल ही जो है ट्रक आएगा और जो भी सामान है वो सब पैकिंग वाला सामान सब लेकर चले जाएंगे, सारा ही सामान लेकर चले जाएंगे। पर भी आप देख सकते हो एक क्वार्टर खाली करके जाना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारा सामान जो है वो पहले आते हैं, हम 2-3 बैग से आते हैं, उसके बाद
उसके बाद इतना सारा जो सामान हो जाता है रहते रहते, कपड़ा ही कुछ ज्यादा ही हो जाता है और कुछ सामान वगैरह हो जाते हैं क्योंकि आकर तो लेना ही पड़ता है। तो देखिए कितना सारा सामान हो रखा है और कितना कबाड़ खाना बन रखा है, तो देख सकते हो। तो अभी भी पूरा सामान अभी पैकिंग करना बाकी है, आप देख सकते हो यहाँ अलमीरा जो है वो खाली हो रखा है क्योंकि इसका जितना भी सामान है वो मैंने ट्रंक में पहले ही डाल लिया। और यहाँ का जो कर्टन है वो मैंने गर्म पानी में भिगो लिया और कल मैं धो लूँगी, धोकर उसे भी पैकिंग करना है क्योंकि देखो जो कर्टन्स वगैरह वो भी गंदा हो रखा है, तो अभी नहीं धोकर लेकर जाने से भी कैसा कैसा फील होता है। जो कर्टन्स है वो नहीं धोकर भी लेकर जाने में कैसा लगता है। यहाँ आरब को देखो, एक बच्चे के साथ ये सब पैकिंग करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हमने थोड़ा कार्टून चला लिया, वो अभी कार्टून थोड़ा देख रहा है। आरब जाओ कार्टून देखो, जाओ जाओ कार्टून देखो। यहाँ आप देख सकते हो हबीब फिश लेकर आए हैं, तो मैं फिश फ्राई कर रही हूँ, तो ये सब भी समेटना है, ये सब भी पैकिंग होगा। तो अभी मैं पूरा खाना वाना बनाकर कंप्लीट कर लूँगी, उसके बाद धो बो के इसे थोड़ा सुखाना है, फैन के नीचे सुखा दूँगी, फिर ये सब पैकिंग हो जाएगा। के जितने भी सामान है वो मैंने पॉलिथीन में ऐसे ही डाल डाल के रखे हैं ताकि अभी तो कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि कंटेनर भी मतलब पैकिंग करना पड़ेगा कंटेनर ये सब को भी, इसलिए मैंने यहाँ जितने भी कंटेनर के सामान है ये सब पॉलिथीन में डाल दिए। और ये मैं अपनी एक फ्रेंड को देकर जाऊँगी, देखते हैं। तो गाइस ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, नेक्स्ट डे से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि रात को मैं और शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ही ज़्यादा काम था, तो उस काम में बिजी होने की वजह से मैं और शूट नहीं कर पाई। तो यहाँ आप देख सकते हो ऑलमोस्ट पूरा पैकिंग हो चुका है, यहाँ कुछ सामान कर्टन्स वगैरह में डाले गए हैं और बाहर भी सामान है आप देख सकते हो। यहाँ तो सब ये कबाड़ा ये सब फेंकना पड़ेगा और ये सब ट्रंक, यहाँ अब सोया हुआ है कूलर की हवा खाकर, यहाँ आप देख सकते हो अभी साफ सफाई कर रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो ये सब कर्टन्स वगैरह में भी सामान डाले गए, ये सब भी लेकर जाएंगे। और यहाँ पर मैंने कंटेनर्स वगैरह धोकर रखे हैं, ये भी लेकर जाएंगे। यहाँ पर भी सामान है, ये सब भी पैकिंग होगा तो ये भी लेकर जाएंगे। अभी बस चाय बना रही हूँ मैं, तो गैस वगैरह भी क्लीन कर रही हूँ, तो यहाँ मैं चाय बना रही हूँ, दूध गर्म कर लिया है, ये सब भी धोना है लेकर जाना है। तो यहाँ सब सामान निकाल लिए हैं, ये सब भी डाला जाएगा, सभी पैकिंग होगा, बाकी सब तो ठीक है। स्टॉलर का पैकिंग करते करते पूरा सुबह हो गया और जो लोग हैं वो आ गए थे, ट्रक भी आ गया था सामान लेने के लिए। आप सब भी मानते हो कि एक रात में सामान पैकिंग करना पॉसिबल नहीं है, रात को कुछ कपड़े रह गए धोने के लिए, तो सुबह उठकर भी मैं धो नहीं पाई क्योंकि बहुत सारा काम रह गया था, कुछ कंटेनर्स भी धोना बाकी रह गया था और कपड़े जो थे वो वॉशिंग मशीन में पड़े हुए थे जो कि मैं धो ही नहीं पा रही थी। सुबह के 8 बजे के करीब ये लोग आए और पैकिंग करना स्टार्ट कर दिया और मेरा कपड़ा धोना बाकी था, जल्दी जल्दी मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े धोए। जब तक ये लोग अच्छे से पैकिंग कर रहे थे तब तक मैंने जाकर छत पे कपड़ा सुखाया। थैंक गॉड कि कोलकाता के धूप ने मेरे जितने भी कपड़े हैं वो सुखा दिए, आधे घंटे के अंदर ही मेरे जो कपड़े हैं वो सूख गए थे और उसको मैंने जल्दी जल्दी पैकिंग कर लिया, बहुत ही जल्दी जल्दी मैंने काम खत्म कर लिया फाइनली। अभी यहाँ आप देख सकते हो जो ट्रक है उसमें सारा सामान अभी रख रहे हैं, तो ये सब सामान अभी लेकर जाएंगे। मैं सामान को देख रही थी और बहुत ही ज़्यादा मैं इमोशनल हो गई थी, रूम खाली हो रहा था और मैं सामान को देखकर इमोशनल हो गई थी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्वार्टर छोड़कर जाने का मन भी नहीं था, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही क्योंकि हम 3 साल ही क्वार्टर में रह सकते हैं, उसके ऊपर तो हमें
सेट करके पीछे कर वो मारेगा उस टाइम तो हो गया ना ये टीवी इसको बीच में करेगा ना वहां पर हां अभी तो ऐसे रखा हुआ है। सामान देखकर ऐसा लग रहा था कि सामान ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन जब पैकिंग कर रहे थे तो पूरा हवा जो है वो टाइट हो गया हमारा। आप देख ही सकते हो ट्रक का आधा जो भाग है वो भर गया है, और भी लोगों का सामान जाएगा। हमारा खाली नहीं था, और भी दो लोगों का सामान जाना बाकी था। सो गाइस मैं क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ मैं। एक तो मुझे अपने हस्बैंड पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन उनको तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि क्या बताऊँ, उन्होंने एक ही दिन में उन्होंने गाड़ी ठीक किया और उसी के अंदर हमें पूरा सामान वगैरह पैकिंग करके भेजना था। तो कल रात उन्होंने मुझे बताया कि सुबह के 7 बजे आएगा गाड़ी सामान वगैरह लेने के लिए। तो आप सोचो इतना सारा जो सामान वो सब पैकिंग करना इट्स नॉट ईजी एक रात के अंदर। तो वो अभी है नहीं, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इतना जल्दबाजी में कौन ऐसा करता है बोलो। तो इतना सारा सामान एक रात के अंदर पूरा सामान इतना सारा सामान समेटा, फिर उसको पैकिंग किया, लाइक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुआ हमारे लिए। तो इतना सारा ये भी आ गए, देखिए आ गए हैं, देखा आपने। तो इतना सारा जो सामान एक रात में ठीक करना, पैकिंग करना इट्स नॉट ईजी। तो पूरा रात लग गया पैकिंग करते 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 करते, क्योंकि हम आए थे एक दो ट्रॉली से, आए और 3 साल हम यहाँ पर बैठे, तो बहुत सारा सामान हो गया रहते रहते। तो इतना जो सामान जो पैकिंग करना था वो भी एक दिन के अंदर इट्स नॉट ईजी। तो जल्दबाजी में उन्होंने बुला लिया गाड़ी को, बहुत मुश्किल हुआ क्योंकि मैंने ऐसे तो थोड़ा बहुत सामान धो धो के पैकिंग करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन वो छोटा मोटा सामान था, छोटा मोटा जो सामान था जब मेरे हस्बैंड नहीं थे तो वो सब धो धो कर पैकिंग कर दिया था। जो जितने बड़े बड़े सामान हैं वो तो मैं पैकिंग नहीं कर सकती थी, जब वो आते तभी वो पैकिंग करते। तो आए, जो काम है वो ख़त्म नहीं हुआ था ऑफिस का काम, तो वो ऑफिस का काम ख़त्म करके उन्हें छुट्टी मिला, छुट्टी मिलने के बाद ही उन्होंने थोड़ा बहुत पैकिंग करना स्टार्ट किया। इतना सारा जो सामान एक रात में पैकिंग करना इट्स नॉट पॉसिबल, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। और एक घर का जो सामान है वो पैकिंग करते करते जैसे भी 6-7 दिन तो लग जाता है, क्योंकि लगता ही ऑलमोस्ट तो लगता है, लेकिन हमने पता नहीं कैसे कैसे कर लिया एक रात में ही पूरा सामान जैसे तैसे पैकिंग कर लिया। सबसे ज़्यादा तो किचन का सामान था, जो कि मेरा उसमें तो मेरी फट गई एकदम, क्योंकि बहुत सारा सामान धोते धोते कंटेनर्स वगैरह क्या क्या बकेट था ये सब धोते धोते मेरा जान निकल गया, मैं क्या बोलूँ। तो नहीं धोने से भी कैसा लगता है, क्योंकि इतना गंदा सामान तो हम भेज नहीं सकते। तो मैंने सोचा था कि जितना भी कंटेनर है ड्रम्स वगैरह है वो मैं धो लेती हूँ। तो सभी धोया मैंने रात को धोने के बाद, और रात को हमने खाना खाया उसका भी बहुत सारा बर्तन निकला था, फिर सुबह भी ब्रेकफास्ट खाया उसका भी बहुत सारा बर्तन था, चूल्हा वगैरह क्लीन करना था क्योंकि चूल्हा वगैरह भी पैकिंग करना था। तो रात का जितना भी कंटेनर मैंने धोकर रखा था वो मैंने फ़ैन के नीचे सुखा दिया, सुखाने के बाद सुबह उठकर सब पैकिंग किया। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ एक दिन में करना इट्स नॉट पॉसिबल, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि थकान फील होता है, कर सकते ऐसा नहीं है पूरा रात बैठ कर सकते, लेकिन पूरा रात लगेगा आपको करते करते। सब पूरा घर खाली हो रखा है, ये सब आप देख सकते हो खाली हो रखा है, पूरा खाली हो गया। और ये सब ट्रॉली वगैरह तो हम लेकर जाएंगे, इसलिए ये सब सामान ट्रॉली के अंदर जाएगा। तो किचन का सामान देखिए पूरा खाली हो चुका है। क्वार्टर को छोड़कर जाने में इतना मतलब मुझे रोना आ रहा है, मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ, मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब मन भारी कर रहा है, क्योंकि कितना जो साल हमने यहाँ पर स्पेंड किया, ये पहली बार मैं क्वार्टर में आई हूँ, तो बहुत अच्छे अच्छे मेमोरीज रहे हैं मेरी यहाँ पर। अब ये सब भूलना भी बहुत मुश्किल है, और ये हम वापस भी नहीं ला सकते, तो अरब भी हुआ सीरियसली। ठीक है, सो गाइस आज का ब्लॉग बस याद रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। सो टिल देन बाय गाइस।